चर्चित ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, नए साल के पहले ही दिन दुर्ग पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। पुलिस की इस सर्जिकल स्ट्राइक में जिला बालाघाट के वारा सिवनी में संचालित हो रहे महादेव बुक नंबर 190 ब्रांच पर नकेल कसी गई और मौके पर 6 आरोपियों को धरा गया। इन आरोपियों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 14 मोबाइल साथ ही एटीएम कार्ड को बरामद किया गया है। साल के पहले ही दिन हुए इस खुलासे के दौरान दुर्ग एसपी ने खासी पूछताछ आरोपियों से की, वहीं फिर बाद में मीडिया को मामले की जानकारी दी। दरमियानी रात को महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर में बालाघाट से टोटल 6 लोगों को पकड़ा है पेपर देने के लिए। आपको पता था भैया क्या काम करते हैं आपके? आपको एड्रेस बताए होंगे कि यहाँ पर आओ। इनका फिशिंग का काम है। फिशिंग का काम बताया है तो फिशिंग करने के लिए आपको बुलाए वहाँ पर पेपर लेने के लिए। प्लॉट के काम के लिए। कब गए थे प्लॉट के काम के लिए आप? उसी दिन। ठीक है, आपका मोबाइल रिकॉर्ड निकालेंगे। अभी मोबाइल रिकॉर्ड क्या निकलेगा सर, वो उसके लिए हो जाओ। आप लोग कैसे काम करते हो पता है मुझे। आ जाओ, ये तो बता रहे हैं आप। कहाँ भाग गए? कहाँ जाएंगे? क्या नाम है? नाम क्या है उसका? भीम। कहाँ का रहने वाला है? शारदा पारा का। क्या काम करता है भीम? वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब आजकल लोग लेबर को देते हैं परसेंट में। हाँ, तो वो लेबर खरीद करके परसेंट देते हैं। लेबर अरेंज करके परसेंट। ये बीएसपी का? अरे महादेव ऐप के लिए वो जो है वो सारे अकाउंट जमा कर काम करने के बहुत तरीके हैं। कर्जा हो गया सर, सामान से बहुत कर्जा हो गया। आप मेरा फोन चेक कर लीजिए, सिर्फ कर्जदारों के फोन आ रहे हैं। कर्जदारों के फोन आ रहे हैं। कर्जा किस चीज़ का हो गया सर? 6-7 महीने हो गया, दुकान टूट गई है, घर चलाना है, फैमिली है, बच्चा है, मम्मी है। हाँ, कितना मिल रहा था भाई काम? अभी तो 4 ही दिन हो गए, 15,000 में गए थे। फ्रेशर थे हम लोग। फ्रेशर थे। और रिक्रूटमेंट कहाँ पे हुआ आप लोगों का? मछली काम करते थे हम दोनों पहले, बहुत पहले तो भीम से परिचित थे, हमको पता था कि भीम 2 साल से ही कर रहे हैं। तब मजबूरी में हम दोनों ये बोले कि भाई कुछ काम होगा तो बताना, वो बताया कि काम है करके। भीम ये 2 साल से काम कर रहा है, कहाँ पे काम किया वो लोकेशन कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। 2 साल से कर रहा है। कहाँ का रहने वाला है भीम? शारदा पारा। धर्मेंद्र वर्मा जी, तो बताए भाई आप कैसे भर्ती हुए? मेरे को अभी 2 दिन पहले। अरे लेट ट्यूट करते हो, 2 दिन नहीं हो गया काम आपको? आपको किसने भर्ती किया? मेरे को भाई भीम मामा बोले। भीम मामा? अरे भाई सपनी मामा की तरह है। हाँ, मामा जी क्या बोले? बोल के मेरे को व्हाट्सएप से कि काम है, आ जाओ। मामा के चक्कर में पता ही है तुमको, 2 साल से मामा ऐसा काम कर रहे हैं। दूर बुलाई जानता है क्या बात कर रहे हैं? नए साल से क्या सोचे हैं? दुर्ग पुलिस ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में 4 दिन से ऑपरेट हो रहे महादेव ऐप का ब्रांच नंबर 190 दस्तावेज किया है। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 लैपटॉप, 14 मोबाइल मिले हैं। इनके पास से बुकलेट्स मिले हैं जिसमें मालूम चला है कि केवल 4 दिन के ऑपरेशन में इनको 25 लाख का इनके ऊपर दाव लगा और जिसमें कि 14 लाख के करीब इनको शुद्ध प्रॉफिट हुआ है। करीब 60% जो है इनका प्रॉफिट है ट्रांजेक्शन्स में, जो दिखाता है कि 1 महीने में 1 करोड़ से ज़्यादा और साल भर में 1 ब्रांच में 10 से 12 करोड़ की इनकी कमाई जो है नेट प्रॉफिट के रूप में होती है। दुर्ग पुलिस सभी लोगों से, यूको से भी अपील करती है कि वो ऐप में भर्ती होकर अपने जिंदगी को क्राइम की दुनिया में ना डालें और उसको छोड़ के वापस आए, आत्मसमर्पण करके अपने गांव घर में रह के अपना जो है मेहनत से काम करें। साल का पहला दिन, जी हां दर्शकों, आज 1 जनवरी है और दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके तहत ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के विरुद्ध नए साल के पहले दिन दुर्ग पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक प्रारंभ की गई। तो इसके अंतर्गत जिला बालाघाट में संचालित सट्टा कारोबार के ऊपर नकेल कसते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा स्वयं दुर्ग एसपी
अभिषेक पल्लव सर ने किया है। इसके 6 आरोपी जहां धरे गए हैं तो काफी सट्टा पट्टी कह सकते हैं, लिखित रूप में कितना इनका ट्रांजेक्शन है, किस तरह का इनका लेन देन है और इसमें कौन इन्वॉल्व है, इसका पता साझी आज की गई है। एक नाम सामने खुलकर आया है जो कि बीते समय भी काफी चर्चाओं में था, एक भीम को लेकर के नाम भी काफी ऊपर आ रहा है जो कि इनका मास्टरमाइंड है, वो तो फिलहाल अभी वो फरार बताया जा रहा है। और दुर्ग पुलिस महादेव ऐप के लिए जो सतर्कता बरतते हुए इन पे नकेल कस रहा है, तो भीम को गिरफ्तार करने या उसकी पतासाजी भी लगातार की जा रही है। आज साल का पहला दिन है, नववर्ष की बधाई के साथ हम दुर्ग पुलिस को इसकी सफलता के लिए भी बधाई देते हैं।